तो गाइस सारी एसएमडी लाइट्स हमने उतार ली है, ये आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो अब बारी है इसको लेकर जाने की। हेलो जी, वेलकम टू दी शादी की तैयारियां। आज है दूसरा दिन, पहले दिन पर कोई काम हो नहीं सका, लेकिन शुक्र है कि पहले दिन पर हमारी एक सीक्वेंस बन चुकी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज से काम शुरू हो गए हैं। तो आज है दूसरा दिन और आज हमने दो काम निपटाए हैं। कौन कौन से आए आपको दिखाता हूँ। तो आज मैंने बड़े भाई को बुलाया और एक एक करके अपने सारी एसएमडी लाइट्स उतार ली, जितनी भी खराब थी। तो बालकनी एरिया की तकरीबन सारी खराब थी। फिर उसके बाद हमने हॉल की उतारी, हॉल पे भी चारों की चारों खराब थी। फिर उसके बाद हम गए ड्राइंग रूम पे और ड्राइंग रूम की भी चारों ही खराब थी। ये कहावत तो आपने सुनी होगी, चाइना का माल चांद तक ना चले तो शाम तक। तो खैर, हमने एक एक करके सारी उतार ली। तो गाइस सारी एसएमडी लाइट्स हमने उतार ली है, ये आप देख सकते हैं, इधर भी देख सकते हैं। तो अब बारी है इसको लेकर जाने की और देने की। कोशिश करेंगे सारी बन जाए, जो ना बन सकी तो वो फिर न्यू परचेज कर लेंगे, क्योंकि जल्द से जल्द हमने वापस लगानी भी है। लगाने के बाद ताकि घर जल्दी जल्दी सेटिंग में आए और सारे काम जल्दी जल्दी मुके खत्म हो। तो गाइस चलते हैं सीधा एसएमडी लाइट्स देकर आते हैं और देखते हैं बनती हैं या नहीं। तो गाइस ये रही सारी एसएमडीज, आप गिन सकते हैं कितनी ज्यादा है। तो भैया मैं बाहर आ चुका हूँ, मेरी गली में सामने घर है, यहाँ रहते हैं अंकल हमारे पड़ोसी, ये ठीक करते हैं। और पहले भी मैंने एक दफा इन्हीं से ठीक करवाई थी, तो अंकल जी का काम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इनको दोबारा देते हैं, वो भी शापर भर के। तो देखते हैं क्या होता है। तो अलैकुम अंकल। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ये आपके लिए शापर भर के ले आया हूँ मैं। इसमें कोई 13 SMD है और 3 वो बल्ब है दूसरे वाले, हो जाएंगे सही इंशाल्लाह। चलो तो भाई शुक्र है, एक काम तो अपने प्रोसेस में चला गया, अंकल को दे दी मैंने SMD लाइट। तो अब देखते हैं मजीद और कौन कौन से काम हो सकते हैं। हाँ, इस वक्त मैं अपने ड्रेस उठाता हूँ, जो शलवार कमीज जो मैंने बनवाने इवेंट्स के लिए, उनकी शिलिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टेलर के पास डायरेक्ट लेके जाऊँगा तो उसने बोलना है यार पहले शिलिंग का फिर लेकर आओ। तो क्यों ना हम पहले शिलिंग घर पर उसको कर लेते हैं और फिर जब वो सूखेंगे तो फिर टेलर को देकर आएंगे। इस तरह हमारे दो काम तो एटलीस्ट निपट जाएंगे। तो ये मैं आ गया अपने रूम में, सॉरी ड्राइंग रूम में। यहाँ पे मैंने रखा हुआ है कुछ सामान, यह है आपके भाई का शादी की शॉपिंग का सारा सामान, सारा नहीं कुछ हद तक सामान। इसमें है पगड़ी और नीचे वाले बॉक्स में है शलवार कमीज के 3 जोड़े, और इसके अलावा शूज, खेड़ी और जितना भी मतलब शादी की जो शॉपिंग का सामान है वो इसमें है। कुछ दूसरे रूम में पड़ा है, वो आपको बाद में दिखाऊंगा। तो भाई सीधा यहाँ से निकलते हैं ड्रेस, निकालते हैं ड्रेस। अरे 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 क्या बात, इस पे तो मैं आज गौर कर रहा हूँ यार, क्या लिखा हुआ इसमें। तो आई थिंक वेस्ट कोट वगैरह है आपके भाई, अभी नहीं दिखानी भाई, अभी दिखा दिया तो मजा खराब हो जाएगा। तो अभी उठाते हैं सिंपल ड्रेस, यार जो निकाल रहा हूँ वो कहाँ है। एक ये रहा, ठीक है। दूसरा इसके नीचे तो नहीं है? नहीं, कहाँ गया। एक ये रहा सतरंगी, और इसके अलावा तीसरा था यार, कहाँ ये रहा, कोने पे आ जाओ भाई। तो भाई ये 3 ड्रेस हमने निकाल लिए हैं, वेस्ट कोट वापस रखते हैं। तो भाई डब्बा हो गया बंद, ये हो गए 3 ड्रेस हमने निकाल लिए, उठाते हैं इनको और सीधा चलते हैं छत पे। आज आपको छत से नज़ारे दिखाता हूँ कुछ। ये हम आ गए बिल्कुल टॉप पे, देख सकते हैं सामने कितना प्यारा व्यू है। छत पे आके कपड़े रखे, अब पकड़ते हैं टब वगैरह जिसपे इसको शिलिंग करेंगे। तो सर्फ तो नहीं, सर्फ की तो जरूरत ही नहीं पड़ती यार शिलिंग करना, शुक्र है याद आ गया, नहीं तो मैं सर्फ डालने ही लगा था। वो पड़े में टब, ये लगा हुआ नल, शुरू करते हैं अपना काम। भाई अगर आपको ड्रेस दिखाऊं तो ये आपके सामने ये कपड़ा दिख रहा है ब्लैक कलर का, यार बहुत ही बेहतरीन इसके ऊपर कढ़ाई हुई हुई है और इसका कपड़ा बहुत ज्यादा लग्जरी है। ब्लैक है बारात के लिए, और ये है बॉस की मेहंदी के लिए, और ये है ऑफ वाइट, ये है निकाह के लिए। बाकी रह गया वलीमा, उसमें तो आपको पता है कि 3 पीस पहना जाता है। तो 2 रख दिए मैंने शिलिंग के लिए, अब रखते हैं तीसरे को भी। तो गाइस शुक्र है कि आज 2 काम हो गए, एक SMD लाइट्स हमने उतार के अंकल को दे भी दी, और दूसरा हमने अपने इवेंट्स के ड्रेसेस जो थे वो शिलिंग करने के लिए रख दिए। अब सुबह हमने उसको उठाने जब वो सूख जाएंगे। और गाइस जो तीसरे दिन पे हमने काम किया ना वो बहुत ही ज़्यादा खास था, तो उसको देखने के लिए आपने हमारी अगली वीडियो लाजमी देखनी है, क्योंकि तीसरे दिन के जो काम है ना वो बस मैं आपको अभी बता नहीं सकता, वो आपको मैं अगली वीडियो में ही दिखाऊंगा। तो बने रहे हमारे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपसे दिन नंबर 3 पे।